यार रसगुरु भगत रहले जैसे बड़ा हमन के भगत बानी जा इस तरह रसगुरु भगत रहले तो कुछ कतरा काटे आ बाघे से दौरी करावे। कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। मैं इस समय आ चुका हूँ मदनपुर माई के स्थान जो बिहार में है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी चर्चित भी है और काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, काफ़ी उनको अच्छा भी लगता है और यहाँ पे हम भी आए, मुझे भी अच्छा लगा और मैं सोचा कि आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इधर जो गेट है ये मदनपुर माई स्थान का गेट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर काफ़ी लोग भी हैं फ़ोटो खींचने वाले और ये लोग मेरे बैक साइड में जो हैं कैमरामैन लोग हैं ये भी फ़ोटो खींच रहे हैं लोग, जो यहाँ के बारे में जो यहाँ का जो भी है दृश्य जैसे कि कैसे फेमस हो गया और किस तरीके से इसको लोग जानने लगे, कैसे काफ़ी लोग यहाँ पे आने लगे, अब काफ़ी भीड़ भी लगती है। तो चलिए मैं इनसे यहाँ के साधु जी हैं जो महात्मा जी हैं इनसे बात करूँगा और यहाँ के रहस्य के बारे में थोड़ा जानकारी भी लूँगा। तो मेरे बगल में बाबा जी यहाँ के जो पुजारी जी हैं और इनसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे फेमस हो गया और कैसे काफ़ी लोग यहाँ पे जानने लगे और काफ़ी भीड़ भी लगती है, काफ़ी लोग आया करते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा जी नमस्ते, क्या हाल चाल है? ठीक है बाबू। आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? हम तो बचपन से मानी बबुआ। बचपन से रह रहे हैं? तो ज़रा हमको यहाँ के बारे में बताइए कैसे फेमस हो गया, यहाँ का रहस्य थोड़ा बता दीजिए कि कैसे फेमस हो गया, कैसे इतना लोग जानने लगे, काफ़ी भीड़ भी लगती है अब। यार रसगुरु भगत रहले जैसे बड़ा हमन के भगत बानी जा इस तरह रसगुरु भगत रहले तो कुछ कतरा काटे आ बाघे से दौरी करावे, हमें से चावल निकले अपन चेतावे में पावे। तो राजा मदन सिंह राजा रहले, उनका खबर गई उनका लगे ये दुगो बालक बड़े से जंगलवा में बाघ से दौरी कर ले कूच को तरह काट के। तो राजा आए देखे खातिर, राजा वही ले देखे खातिर, तो देखल तो पूछल जे कैसे का कर ले जाए। तो माई हमने के कह गए माई के भरोसा करे नहीं है, तब वो कहले राजा जी अपने माई को बुलावा जा हम देखे। तो रसू भगत अपने माई के बुलावले, माई अली राजा मदन सिंह के मुँह दे दिया, रसू भगत के मुँह दे, दोनों जब मर गए। उसका बाद जंगल हो गई, जंगल में कहीं आवे जाए नहीं, जब रेलवे भइल है बनाइल है, रेलवे जब निकलल है तो लोग रास्ता मिलल है तो लोग आवे जाए लागल है। इसे पुरानी कहानी है, कथी कहल इसके पहले रास्ता नहीं था यहाँ पाने के लिए, यहाँ कुछ ना रहे, जंगल रहे बीचा, तब कैसे लोग आया करते थे यहाँ पे? हाँ बहुत कम लोग आवे, जिसका मतलब जो श्रद्धालु रहते थे जिनका हौसला रहता था मुझे दर्शन करना है माता जी का, वो कैसे आते थे? तब एगो रास्ता रहे ठीक बा, तो बिहार से रहे यूपी से ना रहे, ठीक है उत्तर प्रदेश से रास्ता ना रहे, वो बिहार से रहे, बिहार के लोग आवे जब हाँ मजनपुर रेंज होते बघाला रोड से मदनपुर रेंज होते लोग आवे, यानी कि जब रास्ता बन गया है तो काफी लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश भी आते हैं, बिहार के भी लोग आते हैं, सब कोई आता है। जो मंगन मांगते हैं लोग माई पूरा करती है अपना, जो तो जंगल के बीचों बीच ही में है, जो चढ़ाने कहते हैं वो लोग वो चढ़ाते हैं अपना पूरा जमा कर देती है। तो कोई बकरा चढ़ाता है, कोई तौला चढ़ाता है, सब कुछ चढ़ाला। बकरी को कैसे चढ़ाया जाता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। बकरा चढ़ता नहीं, देखिए वहाँ जाइए बलिदान में वहाँ ले लीजिए, जो मांगे हैं पूर्ण हो गया आप जाइए, माता हमारा काम हो जाएगा तो हम बकरा चढ़ाएंगे, आपको काम बिजी हो आप जाकर चढ़ाएं बकरा के जाइए फोटो। तो जो लोग भी यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नतें मानते हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, तो बकरे का बलि दिया जाता है और लोग आते हैं अपनी जो मन्नतें हैं जो मानते हैं उसको चढ़ाते हैं और माता पूर्ण करती हैं। क्या बाबा जी यहाँ पे शादी विवाह भी होता है? हाँ, और कुछ लोग बता रहे थे अष्टयाम भी होता है, सब कुछ होता है, कीर्तन शादी ब्याह सब। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है कि कुछ नहीं होता है, जो भी है सब कुछ होता है, आप जो भी मन्नतें मानते हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, फिर अपना जो भी जो लोग माने रहते हैं वो आके यहाँ पे संपन्न करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूँ राकेश कुमार, मेरे कैमरे के पीछे दिलीप सिंह।